नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गार्डनिंग के चैनल पे। और आज का प्लांट दोस्तों हमने चुना है डायंथस का, जिसके कि फूल सर्दियों में बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत इजी टू ग्रो है ये। और इसके देखो ऐसे फूल होते हैं, ऐसे इसका प्लांट होता है। तो आप जैसे मर्जी इसको लगाओ, चाहे पोट में लगाओ, चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाओ, ये बहुत सुंदर लगते हैं। और अगर आप इसकी थोड़ी सी केयर करें तो आप इसको पेरिनियल भी बना सकते हैं। वैसे होते एनुअल हैं हमारे जैसे गर्म इलाकों वालों के लिए, लेकिन जिनके यहाँ मौसम ठीक ठाक बना रहता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, तो उनके लिए तो ये पेरिनियल है। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से सेव करके रखें तो बिल्कुल आप इसको सारा साल चला सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये कटिंग्स भी मैंने छोटी छोटी लगा रखी हैं, देखो होती हैं, तो मैंने कल ही सुबह लगाई हैं। तो बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों ये सर्दियों का, और आपको इसकी बिल्कुल भी ज़्यादा केयर नहीं करनी। बस आपने इसकी मिट्टी को पोरस बना के रखना है, जैसे कि हम बनाते हैं थोड़ी सी रिवर सैंड मिला के। और दोस्तों जब ये बास्केट मैंने बनाई थी तो 2-4 दाने DAP के और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट मिक्स करके मैंने ये बास्केट बनाई थी, ताकि कोई भी मैं प्लांट लगाऊं तो उसकी रूट्स अच्छे से स्टार्ट हों। तो ये देखिए दोस्तों, यही कलर है मेरे पास, एक ये डार्क वाला ऑरेंज है, एक लाइट वाला ऑरेंज है, और एक दो कटिंग मेरे को कोई दे के गया था, वो मैंने लगा दी। अब देखो आपके साथ भी शेयर करूंगी, होती हैं तो ये अलग कलर की हैं, वाइट से में थोड़ा सा मैरून कलर है, डिफरेंट शेड है। ये वाली देखो, ये वाली अब यूं क्यों दे के गया था, मैंने ऐसे ही लगा दी इसको। अब देखो होती हैं तो स्टेबल रहती हैं, तो ये वैसे इजी टू ग्रो है काफी। आप कटिंग लगा दोगे इसके नीचे से पत्तियां हटा के, और आप कटिंग लगा दो, हो जाएंगी वो। अभी मैंने अभी भी लगाई ना, इसलिए थोड़ी मुरझा सी रही है, मैंने एकदम लगाई भी नहीं है, काफी टाइम तो साइड में ही रखी रही है। तो अगर अब इनको सारा कुछ मिल जाएगा, मॉइस्चर इनको मिल जाएगा, तो ये आराम से तैयार हो जाएंगी। और दोस्तों दूसरा तरीका इसका ये है, ये जो इसका सीड पॉड बनता है, अगर आप इसका फूल ना तोड़ें तो इसके नीचे से ये सीड पॉड तैयार होते रहते हैं। इसमें काले रंग के बीज होते हैं इसके, तो अगर आपने इसको बीज से उगाना है तो भी ये बीज से उग जाएगा, लेकिन अभी हमें चाहिए नहीं, अभी तो हमें इसके बहुत सारे फ्लावर चाहिए। तो अगर आपको ज्यादा फ्लावर चाहिए तो आप इसको तोड़ दें, प्लक कर दें इसको, और जब इसको सेव करना होगा हमें और इसके सीड चाहिए होंगे, तब मार्च के फर्स्ट वीक से हम इसके फूल तोड़ना बंद कर देंगे, अगर इसके सीड सेव करने, क्योंकि उसके बाद हमारे यहाँ गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी। तो बस दो ही तरीके हैं दोस्तों, इसके कटिंग से भी अच्छे से लगता है ये, और ये सीड पॉड बन जाएंगे तो भी। लेकिन अभी मैं इनको हटा दूंगी सीजर की मदद से, जो कि सूखे हुए होंगे, तो जहां तक नीचे तक नई ग्रोथ ना आ रही हो वहां तक आप इसकी ब्रांच को काट दें। देखिए जहां तक इसकी नई ग्रोथ नहीं आ रही ना, वहां तक नीचे तक इसकी नई ब्रांच को आने में फिर काफी मदद मिलेगी, और न्यू शूटिंग इसकी स्टार्ट होगी और उस पर बर्ड्स बनेंगी। तो इसकी ज्यादा फ्लावरिंग लेने का दोस्तों यही तरीका है, कि जो भी आप इसके फूल सूखे हुए देखें उसको आप कट करते जाएं, और जब इसका सीजन खत्म होने पर आएगा तब हम इसके फूल छोड़ देंगे सीड पॉड बनने के लिए। अभी तो हमें सीड पॉड की जरूरत भी नहीं है, अभी तो ये सीजन शुरू ही हुआ है, इसलिए हमें जार फ्लावरिंग की जरूरत है इसकी, कि सुंदर सुंदर फूल आए और हमारी ये बास्केट पूरी भर जाए, इसीलिए हमने इसको ग्रो भी किया हुआ है। तो दोस्तों लगाने का वही तरीका है, आपने इसको ज्यादा पानी नहीं देना है, इतना देना है बस इसका मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि ज्यादा पानी के कारण भी दोस्तों प्लांट खराब हो जाते हैं, बल्कि सूखे के कारण इतने नहीं होते। तो बस आपने मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, और ज्यादा पानी इसको ना दे, 2-3 दिन में हल्का सा पानी दे दे, और जिसके यहाँ ज्यादा ही गर्मी हो तो अपना देख ले, वो थोड़ा थोड़ा दे दे। ये देखो कटिंग लगाई है मैंने, इसी की काट के लगाई थी, ये भी देखो होती है, तो इसमें नीचे भी बास्केट में तैयार हो जाएंगी फिर ये प्लांट। और ये अलग अलग जो ये कटिंग्स थी मैंने लगा दी है, लग तो स्टेबल ही रही है, अब देखो होती है तो वैसे हो जाती है, पीछे ही मैंने लगाई थी तब तो हो गई थी, कुछ हो जाती है कुछ मर भी जाती है, ऐसा नहीं है कि सारी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हम तो ट्राई करते रहेंगे। और इस तरह की कटिंग लगा लगा के भी आप अपने प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, कहीं आपको इसके अलग अलग कलर मिल जाएं जो आपके पास हो, दूसरा ना हो, तो इसकी कटिंग ले आए और आप बिल्कुल आसानी से लगा दें, थोड़े दिन शेड में रखें। यहाँ वैसे इतनी ज्यादा धूप भी नहीं आती दोस्तों, तो बिल्कुल हल्की सी आएगी शाम को जाते वक्त ही। तो बस दोस्तों डायंथस के बारे में कोई इतनी ज्यादा नॉलेज गेन करने वाली भी जरूरत नहीं है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, जो बिगिनर्स लोग हैं वो भी बड़े आराम से लाके इसको ग्रो कर सकते हैं, ज्यादा केयर भी नहीं मांगता, ज्यादा पानी भी नहीं मांगता, और बस कटिंग से और इस तरह से आप लाके चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाएं, चाहे आप जैसे मर्जी लगाएं।
तो देखिए इसमें हैंगिंग में मैंने कई सारी कटिंग्स लगा रखी हैं, गजनिया की है, ये पेटूनिया की कटिंग लगा रखी है, एक सुकुलेंट भी लगा रखा है, और ये सदाबहार की लगाई थी ये भी चल गई है, वो जो हाइब्रिड वाले थे ना वही मैंने लेके लगाई थी, अब चल तो रही है। ये देखो एक गेंदा लगा रखा है ताकि हमारी ये हैंगिंग बास्केट अलग अलग रंगों के फूलों से भर जाए। तो एक ही आइडिया भी मिल जाता है आपको दोस्तों कि किस तरह से आपने अपनी हैंगिंग बास्केट को विंटर में तैयार करना है। विंटर में फूलों की वैरायटी बहुत सारी होती है और वो लगे हुए भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो देखेंगे हमारे पास कब तक रहेगा ये, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ मैं इसको सेव करके रखूंगी, क्योंकि उस टाइम दोस्तों इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, इन सुंदर सुंदर पौधों को बचा के रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भले ही मैं इस पे नेट भी लगाती हूँ, सब कुछ लगाती हूँ, लेकिन वो लू ऐसी होती है सब कुछ जला देती है। तो बस दोस्तों इसके बारे में बस यही जानकारी आपने प्राप्त करनी थी, और बहुत इजी टू ग्रो है, आप लाएं लगाएं जैसे मर्जी लगा दें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।